कि हाल ही में 2 दिन तक झमाझम बारिश हुई, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, कहाँ और किसी गलती मानते हैं। अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें तो कांग्रेस की काफी किरकिरी हुई है, इसको लेकर काफी पॉलिटिकल स्टंट भी हो रहा है, इस पे आप क्या टेक रख रहे हैं? भाजपा कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि झारखंड में जंगल राज चल रहा है, इस पे आप क्या टेक रखेंगे, क्योंकि हाल ही में एडीजे की जो घटना सामने आई वो काफी निंदनीय है। राज्य में लगातार 2 दिनों की बारिश से काफी जल जमा हुआ, जिससे लोगों को काफी परेशानियां हुई। साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने अभी पीसी करके कहा है कि झारखंड में जंगल राज चल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे बीच पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं। सबसे पहला रिएक्शन ये लेना चाहेंगे कि हाल ही में 2 दिन तक झमाझम बारिश हुई, सारा जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, कहां और किसी गलती मानते हैं? ये साफ जाहिर है कि लोग, राज्य की जनता अच्छी तरह से देख रही है कि पिछले 5 साल या और कहा जाए, अगर पूरी तरह से कहा जाए तो इस राज्य में लगभग 16 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और हमारे श्रद्धेय सम्मानित रांची शहर के विधायक माननीय सीपी सिंह जी नगर विकास मंत्री रहे पिछले 5 साल। ये लगभग 8वां साल होने जा रहा है कि भाजपा के मेयर यहाँ रहे हैं, निर्वाचित हुए हैं, और 2 दिन की बारिश ने जो हाल कर दिया रांची का, ये किसी से छिपा नहीं है। ये साफ दिखता है कि क्या काम पिछली सरकारों ने किया, नगर निगम ने किया, ये पूरी तरह से परिलक्षित हो गया और जनता के सामने वो नंगे हो गए हैं। और एक तरह से कहते हैं कि चोरी और सीनाजोरी दोनों करना जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक तो पूरी तरह से राज्य को विकास के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में 2500 साल पीछे ढकेल दिया और ऊपर से अब आरोप लगाने का काम करते हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, उनके और बड़े नेता हों, चाहे बाबूलाल जी हों, सीपी सिंह जी हों, ये सारा ये एक सूत्री कार्यक्रम इनका चलता है कि सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार पर आरोप लगाना। अरे आपको तो जनता ने आपके कामों का फल दे दिया, आपने जो काम किए, आपने जो आज बड़ी बड़ी डिंगे आप हाँक रहे हैं, आपको तो जनता ने 2019 के चुनाव में बता दिया कि आपकी क्या स्थिति है सो, और उसके बाद भी जितने उपचुनाव हुए उसमें भी जनता ने आपको सबक सिखाने का काम किया है। मैं इनसे आपके माध्यम से इनसे आग्रह करूंगा, इन्हें सलाह दूंगा कि ये सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं ताकि आने वाले चुनाव में जनता के बीच जाने के लायक रह सकें। नहीं तो इस तरह का जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का काम कर रहे हैं हमारी सरकार, प्रत्येक क्षेत्र में पूरी गंभीरता के साथ और पूरे दायित्व के साथ काम कर रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण हमारी सरकार बनते ही और जिस तरह से इन्होंने पूरे खजाने को खाली करके छोड़ दिया था, जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने एक समन्वय में बैठाया है कोरोना के संक्रमण से भी बहुत एक अच्छे मैनेजर की तरह उन्होंने उससे मुकाबला किया, राज्य की जनता जीवन और जीविका दोनों में को किसी तरह की परेशानी नहीं हो उसका ख्याल रखा, और पूरे राज्य की जनता ही नहीं पूरे देश की जनता हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल को और उनके किए कार्यों की सराहना कर रही है। इसलिए हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, इस तरह से चिल्लाते रहेंगे। और आने वाले चुनाव में मैं बता देता हूँ कि इन्हें लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, इन्हें दहाई का आंकड़ा पर करना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि झारखंड में जंगल राज चल रहा है, इस पे आप क्या टेक रखेंगे, क्योंकि हाल ही में एडीजे की जो घटना सामने आई वो काफी निंदनीय है। आज इन्हें देखना चाहिए, ये जनता इनके बयानों पर हंसी उड़ाती होगी, इनके बयानों का, इनके कार्यकाल में जितने अपराध हुए उसका आंकड़ा लेकर बैठना चाहिए। मैं आंकड़ा लेकर नहीं बैठा हूँ, वो लोग पेपर का आंकड़ा लेकर बैठते हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में जो हुआ, जितनी आपराधिक घटनाएं हुई, कितने आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन हुआ, कितने लोगों को सजा हुई, इसका उन्हें जवाब देना चाहिए। और हमारे कार्यकाल में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो अभी 1.5 साल हुए सरकार के गठन हुए हैं, जो भी आपराधिक घटनाएं हुई उसका त्वरित उद्भेदन किया गया, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। अभी जो धनबाद की घटना हुई है वास्तव में ये दुखद घटना है, इसकी हम निंदा करते हैं, लेकिन आज जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को
गिरफ्तार किया गया, जो भी जिस ऑटो से हमारे स्वर्गीय एडीजे साहब को धक्का लगा था वो ऑटो बरामद किया गया, 3-4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एसआईटी का गठन तुरंत कर दिया गया, कल सीबीआई जांच की भी अनुशंसा कर दी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री, और क्या चाहते हैं ये। बीते दिनों अगर हॉर्स ट्रेडिंग की बात करें तो कांग्रेस की काफ़ी किरकिरी हुई है, इसको लेकर काफ़ी पॉलिटिकल स्टंट भी हो रहा है, इस पर आप क्या टेक रख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग जहाँ भी इनकी सरकार नहीं बन पाती है वहाँ पर ये उस पहले दिन से ही इस ये में लग जाते हैं, इनका एक विंग काम करता है, जैसे अनेक सभी राजनीतिक दलों का अलग अलग विंग है, महिला मोर्चा और छात्र युवा, इनका एक है कि एक इनका मोर्चा बन गया, जब से मोदी जी का कार्यकाल रहा है आज 2014 से, तब से इन्होंने एक मोर्चा बना लिया है कि जहां हमारी सरकार जनता हमें ठुकरा दे वहां हम धन बल का प्रयोग करके, बाहुबल का प्रयोग करके वहां किसी तरह से सरकार को अस्थिर करें, सरकार को विकास का काम करने न दें, ये सारी एक टीम उनकी काम करती है। और झारखंड में भी पहले दिन से ये इनकी इनका प्रयास है, लेकिन झारखंड में कभी ये सफल नहीं होंगे, ये राज्य की को अस्थिर करना चाहते हैं, राज्य के विकास में बाधक बनना चाहते हैं, और जनता भी सब कुछ देख रही, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। मिथिलेश ठाकुर ने साफ तौर से कहा कि भाजपा का ये चाल चल रहा है, जहां इनकी सरकार नहीं बनती है वहां ये प्रोड्यूस कर ये अपनी किस्मत आजमाते हैं। सहयोगी शोएब के साथ मैं सरूर बीएनएन भारत के लिए।